कहते हैं जब परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने अनेक अनेक तरह की वस्तुओं का निर्माण किया, अनेक अनेक तरह की वस्तुओं का सृजन किया। और कहते हैं कि उन्होंने जब सारी चीज़ों का निर्माण कर लिया, सारे जीव जंतुओं का निर्माण कर लिया, सारे पशु पक्षियों का निर्माण कर लिया, और अंत में फिर मनुष्य की बारी आई। अंत में किसकी बारी आई? मनुष्य की बारी आई। और परमात्मा के मन में आया, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा कि इसके समान दुनिया में और कोई प्राणी नहीं होगा, कोई जीव नहीं होगा। और परमात्मा ने दुनिया भर की सारी विशेषताएं, सारी खासियतें उस इंसान के भीतर में भर दी। उसको सोचने के लिए दिमाग दिया, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पांव दिए, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जबान दी, सब कुछ दिया, इतना दिया, इतना दिया कि उसके समान इस दुनिया में और कोई प्राणी था ही नहीं। और कहते हैं कि थोड़े दिन इंसान की गति बड़ी आराम से चली, यात्रा बड़ी आराम से चली, और थोड़े ही दिन हुए कि वो परमात्मा के पास पहुंचा और परमात्मा से कहने लगा, परमात्मा परमात्मा आपने सब कुछ दिया लेकिन ये तो दिया ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु, और उसको वो भी मिल गया। थोड़े दिन नहीं बीते कि फिर वो वापस भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा कि भगवान, अरे आपने ये तो दिया लेकिन ये तो दिया ही नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसको वो भी मिल गया। लेकिन इंसान, उसकी खोपड़ी ऐसी उसको मिली हुई थी कि फिर तृप्ति का नाम नहीं, शांति का नाम नहीं। थोड़े दिन फिर हुए कि फिर भगवान के पास कि भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने ये तो हमें दिया ही नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु, और उसको वो भी मिल गया। लेकिन मनुष्य कहाँ शांत होने वाला, उसका मन कहाँ तृप्त होने वाला। थोड़े दिन होते ही फिर वो बार 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 भगवान के पास पहुँचने लगा। भगवान ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी फजीहत खड़ी हो गई, ये तो बहुत बड़ी फजीहत खड़ी हो गई। अब तो मैं ना तो शांति से बैठ पाता हूँ, ना शांति से अपने में स्थिर हो पाता हूँ। थोड़ी अवस्था नहीं बीती कि ये इंसान बार 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 आ जाता है परेशान करने के लिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन अब इंसान का निर्माण कर दिया तो कर दिया, और इंसान ने भी भगवान की पूछ पकड़नी शुरू की तो पकड़ लिया, भगवान की पूछ नहीं छोड़े। भगवान को लगा कि अब तो इस मनुष्य से थोड़ा पिंड छुड़ाना पड़ेगा। और कहते हैं कि भगवान एक घने जंगल के अंदर जाकर के छिप गए। लेकिन इंसान कहाँ हार मानने वाला था, वो भी धीरे 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 उसने स्वर्ग लोक को देखा, भगवान नहीं मिला, पाताल लोक को देखा, भगवान नहीं मिला, आखिर गया कहाँ। और कहते हैं कि इंसान खोजते 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 जंगल में भी पहुंच गया, और घने जंगल में पहुंच करके कहा भगवान आप यहां आकर छिप गए, अरे आप हमारी समस्याओं को दूर करो, हमारी परेशानियों को दूर करो, हमारी दिक्कतों को दूर करो, हमें पैदा ही क्यों किया। और इंसान ने कहा कि मुझे ये चाहिए। परमात्मा ने कहा तथास्तु, लेकिन परमात्मा को लगा अरे यार ये इंसान तो यहां भी पहुंच गया, अब मैं कहां जाकर के छिपूं। और कहते हैं कि वो सागर के ठेठ गहरे, सागर के ठेठ गहरे कॉर्नर में भगवान जाकर के छिप गए। लेकिन इंसान, उसको खोपड़ी मिली हुई थी और उसने अपने खोपड़ी का इस्तेमाल किया, और वो पहुंचते पहुंचते ठेठ सागर के अंदर भी पहुंच गया। और वहां पर परमात्मा को पकड़ करके कहा कि प्रभु जी यहां आकर के कैसे छिप गए, हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, लेकिन परमात्मा के मन में आया अरे ये तो यहां भी पहुंच गए, अब मैं कहां जा करके छिपूं। और फिर कहते हैं कि परमात्मा ने एक और नया स्थान खोजा, और खोजते 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 वो पहाड़ों के अंदर, घने पहाड़ों के अंदर और घने पहाड़ों के अंदर, और एक विशाल गुफा के अंदर जाकर के वो समाधि मग्न हो गए। और बाहर गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया, और मन में आया अब तो इंसान यहां पर पहुंचने वाला
नहीं है, और वो वहां जाकर के अपनी समाधि में डूब गए। लेकिन इंसान तो ठहरा इंसान, खोजते 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 वो ठेठ वहां पर भी पहुंच ही गया, वहां पर भी पहुंच ही गया, और भगवान से कहा, भगवान जी हमारी इच्छाएं पूरी करो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। ये तो बहुत बड़ा जंजाल बन गया। और फिर भगवान जी सोचने लगे, अब मैं कहाँ जाके छिपूं, कहाँ जाके छिपूं, कहाँ जाके छिपूं, ताकि इंसान मुझे कभी खोज नहीं पाए। और कहते हैं कि चिंतन करते 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 भगवान को एक ऐसी जगह मिल गई और वो वहां जाकर के छिप गए। इंसान आज तक खोज रहा है, लेकिन भगवान मिलने का नाम, भगवान मिलने का कोई नाम ही नहीं मिल रहा है। और कहते हैं कि भगवान इंसान के दिल में आकर के छिप गया। अब इंसान बाहर खोजता जा रहा है और भगवान अंदर शांति से बैठे अपनी समाधि में आनंद ले रहे हैं। हम आनंद की खोज बाहर कर रहे हैं, हम शांति की खोज बाहर कर रहे हैं, सुख की खोज बाहर कर रहे हैं। और हकीकत यह है कि सुख तो हमारे अंदर ही विराजमान है, शांति हमारे अंदर ही विराजमान है, आनंद हमारे भीतर ही विराजमान है। बाहर के आनंद, बाहर की शांति, बाहर के सुख तो समय पर बदल जाते हैं, लेकिन भीतर का आनंद ऐसा है जो कभी नहीं बदला करता है। जिसको एक बार भीतर का आनंद मिल गया, जिसके भीतर का द्वार खुल गया, और उसके भीतर से जो झरना बहता है, जैसे गंगोत्री और गोमुख से गंगा निकलती है, पल प्रतिपल वो बहती ही रहती है, बहती ही रहती है, बहती ही रहती है, वहां से अमृत निकलता ही रहता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि हमारा गोमुख क्या है, तो हमारा अपना ही अंतर हृदय है, जहां से आनंद की रसधार हर समय बहती रहती है। लेकिन इंसान इतना मूर्ख है कि उसकी खोज हमेशा बाहर ही रहती है, वो भीतर देख नहीं पाता, और परिणाम उसे आनंद मिल नहीं पाता। जो आनंद मिलता है वो समय होते होते उसके हाथ से छिटक जाता है, और इंसान फिर दुखी, परेशान और अशांत हो जाता है। कितनी गजब की बात है कि कोई सागर में रहकर भी प्यासा रह जाए। हमारे भीतर में आनंद का झरना है, लेकिन हम कितने मूर्ख हैं कि हमारे पास झरना, आनंद का खजाना होते हुए भी हम आनंद से रीते के रीते बने हुए हैं। हकीकत में कोई मुझसे पूछे कि हमारा अपना स्वभाव क्या है, तो मैं एक शब्द में कहूँगा, आनंद ही हमारा स्वभाव है, आनंद ही हमारा स्वभाव है। आपकी कोई भी जाति हो, आप शर्मा हो कि ओसवाल हो कि अग्रवाल हो कि पोरवाल हो कि गुंदेचा हो कि छाजेड़ हो, पर आज से अपनी एक और नई जाति बना लीजिए, और वह है कि आनंद मेरी जाति है, आनंद मेरी जाति है और उत्सव मेरा गोत्र है। आनंद मेरी जाति है और उत्सव मेरा गोत्र है, मैं हर पल आनंद में रहता हूँ। दो तरह के आनंद होते हैं, एक बाहर का आनंद और एक भीतर का आनंद, एक क्षणिक आनंद, एक परमानेंट आनंद, एक भौतिक आनंद और दूसरा आध्यात्मिक आनंद। मैं बात आपको केवल इतनी सी बताना चाहूँगा कि जो बाहर का आनंद है उसे हम क्या समझते हैं, हम आनंद समझते हैं कि खाओ पियो ये आनंद है, ऐश करो आनंद है, घूमो फिरो आनंद है, गप्पे लगाओ आनंद है, बातें करो आनंद है, रोमांस करो आनंद है, हम इन सब चीजों को आनंद मानते हैं। लेकिन ये सब आनंद तो देखते देखते खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कब ये आनंद दुख में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन एक और आनंद है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं होता, जो सदा बना हुआ रहता है, और वो है हमारे भीतर का आनंद। हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, हम इसीलिए तो ध्यान करते हैं, हम इसीलिए योग करते हैं, जो हमारा आनंद का झरना है वो आनंद परम आनंद में बदल जाए, हमेशा के लिए परमानेंट
बन जाए। तो इसलिए आज हमारे जीवन का पहला संकल्प हम ये ले रहे हैं कि हम हर हाल में आनंद में रहेंगे। चलो तो यात्रा का आनंद लो और बैठो तो आनंद की यात्रा करो। चलो तो यात्रा का आनंद और बैठो तो आनंद की यात्रा। भोजन मिले तो खाने का आनंद और भोजन न मिले तो उपवास करने का आनंद। शादी हो जाए तो संसार का आनंद और संत बन जाए तो शील का आनंद। हर हाल में हमारा फैसला हो जाना चाहिए कि मुझे तो आनंद में जीना है। किसमें जीना है? आनंद में जीना है। कोई अपन से पूछे, भैया क्या कर रहे हो? एक ही जवाब, भाई मैं तो अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। मैं तो अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं। अगर खाने को बैठे हो और कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो भैया खाने का आनंद ले रहे हैं। दुकान पर बैठे हो, कोई पूछे क्या कर रहे हो, दुकान पर बैठने का आनंद ले रहे हैं। याद रखिएगा, हम जैसे शब्द बोलते हैं वैसे ही शब्द हमारे कानों के अंदर जाते हैं, और जैसे शब्द हमारे अंदर जाते हैं हम भीतर से वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था हर हाल में खुश रहो, उसका संबंध हमारे मन से है। दूसरे दिन मैंने कहा था कि चेहरे पर हर समय मुस्कान रखो, उसका संबंध हमारे चेहरे से है। आज मैं कह रहा हूँ अपने आप को आनंद में रखो, उसका मतलब है उसका संबंध हमारी जुबान से है। जब भी बोलो तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलने चाहिए वो आनंद भरे शब्द ही निकलने चाहिए कि भाई कैसे हो? आनंद में है। कोई हमसे पूछता है कि महाराज साहब जी कैसे हो, हम एक ही शब्द कहते हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कुंजी आई हमारे हाथ में ध्यान की, अब तो आनंद ही आनंद है बात की। तो न तो कहीं आना है न कहीं जाना है, अपना तो एक ही फैसला है, हमें तो हर हाल में आनंद में रहना है। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ज़्यादा तनावग्रस्त होने की बात नहीं है। हर समय अपने आप को भारी मत कीजिए, हर समय अपने आप को भारी मत कीजिए। हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान वैसा क्यों हुआ, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान वो क्या हो गया, हे भगवान ये तो मिला ही नहीं, वो तो मिला ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, वैसा तो हुआ ही नहीं। हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं तो साधुवाद तो कम देते हैं और शिकायत ज़्यादा करते हैं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान को ये नहीं कहते कि प्रभु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्रभु जी ये तो दिया ही नहीं, ये तो दिया ही नहीं। अरे मंदिर में जाओ और भगवान से कहो कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने सब कुछ दिया है, प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, तूने सब कुछ दिया है। जैसे हम अपनी बहू के पियर वालों को कहेंगे ये तो बहुत देते हैं बहुत देते हैं बहुत देते हैं, तो उनके मन में क्या आएगा? अरे हम थोड़ा देते हैं तो भी ये कहते हैं कि बहुत देते हैं, तो उनके मन में आएगा अपन को और देना चाहिए। और अगर हम इसकी बजाय ये कहेंगे अरे इसके पियर वाले तो कुछ देते ही नहीं है, इसके पियर वाले तो कुछ देते ही नहीं है, उनके मन में आएगा अरे दे रहे हैं तो भी कह रहे हैं कि ये देते ही नहीं है, अब तो बिल्कुल देंगे ही। तो यही नियम भगवान जी के भी साथ लागू होता है, किस्मत के साथ भी लागू होता है, भाग्य के साथ भी लागू होता है। अगर हम रोते रहेंगे अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये कहेंगे सब कुछ है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, तो हमारा आनंद का खजाना और बढ़ता ही जाएगा, आनंद का खजाना और बढ़ता ही जाएगा। तो आज से हम क्या संकल्प ले रहे हैं, क्या अपनी सोच बना रहे हैं? एक ही सोच एक ही संकल्प की हमें हर हाल में आनंद में रहना है। परमात्मा ने कहा है कि जो हर पल आनंद में रहता है, जो हर पल आनंद में रहता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, उसकी हमेशा सदगति ही
हुआ करती है। तो हमें हर पल आनंद में रहना है। जब हम टूट चुके हैं, जब हम टूट चुके हैं उस समय भी अगर हम आनंद में रहते हैं तो मान कर चलिए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें तोड़ सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें तोड़ सके।